सो हे गाइस, अगर आप 1000 रुपये के प्राइस में एक ऐसी स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर हो एंड इसी के साथ में सारे यूजफुल सेंसर्स भी उस वॉच में अवेलेबल हो, तो मैं आज आपके लिए यहाँ पर BTEXP की तरफ से आने वाली उसकी वेगा नियो स्मार्ट वॉच लेके आ चुका हूँ। एंड ये वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की आती है एंड इसमें आपको सारे यूजफुल फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग एंड साथ में एमोलेड डिस्प्ले एंड सारे ही यूजफुल सेंसर्स भी इसमें अवेलेबल हैं। एंड वैसे देखा जाए तो इस वाली स्मार्ट वॉच को मैं लास्ट 2 मंथ से यूज कर रहा हूँ पर्सनली। एंड आज की इस वाली वीडियो में आपको इसी स्मार्ट वॉच का कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा एंड सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा आपको एंड सारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फीचर्स वगैरह की बात करने से पहले सबसे पहले आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ एंड फिर आपको आगे इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो अमेजोन से गाइस कुछ इस तरीके से पैकिंग में मेरे पास में ये वाली वॉच आई है एंड ये कुछ ऊपर की तरफ बॉक्स है इसमें एंड इसके अंदर हमारी वॉच का मेन बॉक्स निकल के आता है एंड बॉक्स का लुक गाइस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। एंड अगर बॉक्स के ओवरव्यू की आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर सामने की तरफ लिखा हुआ है वेगा नियो एंड साथ में एक वॉच का पिक्चर बना हुआ है एंड ऊपर लिखा हुआ है BTEXP एंड AMOLED डिस्प्ले जिसमें दे रखी है उसको यहाँ पर हाईलाइट करके बताया गया है एंड साथ में इसमें हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स की बैक साइड में कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड इस तरफ लिखा हुआ है बीट द लिमिट्स। तो चलो इसको फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करते हुए अनबॉक्स करते हैं अपने चाकू से एंड आज चाकू छुरी चलानी पड़ेगी भाई। चलो भाई इसको अनरैप कर लेते हैं फटाफट से एंड फिर देखते हैं हमें क्या कुछ बॉक्स कॉन्टेंट देखने को मिलेंगे इस वाली वॉच के बॉक्स में। तो ऊपर वाली सील तो भाई खुली निकली है एंड सही से चिपकी हुई नहीं थी, तो चलो अभी चेकआउट करते हैं एंड कुछ ऐसे स्लाइड होके हमारी वॉच बाहर आ रही है। तो ऐसे वॉच बाहर आ जाती है एंड बॉक्स में सबसे ऊपर हमें हमारी स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। स्मार्ट वॉच फर्स्ट लुक में बढ़िया लग रही है एंड हाथ में होल्ड करने में प्रीमियम फील हो रही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट इसके नीचे हमें यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि मैग्नेटिक चार्जर वाली आती है। सभी स्मार्ट वॉचेस में ऑलमोस्ट ऐसी केबल आती है जो बजट सेगमेंट वाली होती है। एंड नीचे यहाँ पर हमें एक और सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं एंड इसके अलावा एक वारंटी कार्ड हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे हमें यहाँ पर एक 500 रुपये का कूपन देखने को मिल जाता है, तो जाओ फटाफट से स्कैन करो एंड मजे लो 500 रुपये की, मेरे को तो नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट इसके नीचे हमें यहाँ पर एक इसका यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है जिसको आप स्कैन करके पढ़ सकते हो पूरा का पूरा। तो चलो इन सभी को रखते हैं साइड में एंड अभी अपनी स्मार्ट वॉच के ऊपर आते हैं एंड इसको चेकआउट करते हैं। एंड इसी के साथ में इसका जो एप्लीकेशन आता है BTEXP फिट, तो उसको भी मैं यहाँ पे साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है एंड तब तक अपनी वॉच के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं। एंड सबसे पहले अगर बात करता हूँ डिज़ाइन में एंड स्ट्रैप की क्वालिटी की, तो स्ट्रैप की क्वालिटी गाइस मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है एंड काफ़ी मोटा एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला स्ट्रैप दिया है BTEXP ने। एंड इसी के साथ में जिसमें बकल देखने को मिलता है वो मेटल वाला है। एंड सामने के साइड से अगर बात करते हैं वॉच की, तो सामने का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम है एंड इसमें हमें क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। जो इसका डायल है वो यहाँ पे वेबसाइट पे तो मेंशन है कि मेटल है, बट मेरे को मेटल जैसा प्योर फील नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं मैग्नीशियम अलॉय से बना हुआ होगा। एंड बैक साइड में आप देखो यहाँ पे BTEXP की ब्रांडिंग है एंड साथ में सेंसर्स दिए गए हैं हमारे। तो चलो अभी इसको फटाफट से चालू कर लेते हैं एंड देखो आप यहाँ पे BTEXP का लोगो भी आ चुका है एंड ऐप QR कोड यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। एंड अभी हमारी स्मार्ट वॉच को एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेते हैं, सारी परमिशंस को दे देते हैं। यार ये स्मार्ट वॉच वाले जितने भी एप्लीकेशन होते हैं दुनिया भर की परमिशन मांगते हैं भाई। तो चलो इसमें पहले अकाउंट साइनअप करना पड़ेगा, मैं अकाउंट साइनअप करके फिर आपको मिलता हूँ। ओके, तो अकाउंट वगैरह हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल सेटअप हो चुका है एंड अभी हमारी वॉच भी कनेक्ट हो चुकी है हमारे स्मार्टफोन से। ये इसके कुछ एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस है जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया है एंड काफ़ी सिंपल भी है, ऐसा कुछ इसमें ट्रिकी नहीं है ना टिपिकल है। एंड यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, तो ये सब आपके ऊपर है। इसको ज़्यादा डीप में आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसमें हमें यहाँ पे जो क्राउन देखने को मिलता है ये एक फंक्शनल क्राउन है, इसको रोटेट आप जब करोगे तो आप यहाँ से फंक्शंस को भी चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आप वॉच फेसेस को चेंज कर पाओगे, तो ये बढ़िया चीज़ है। अब जितनी भी वॉचेस आ रही हैं सभी में फंक्शनल क्राउन हमें देखने को मिलता है, तो ठीक है। एंड अभी हाथ में पहन के भी इसको चेकआउट कर लेते हैं एंड हाथ में पहनने के बाद में वॉच का जो लुक है वो काफ़ी रिच लग रहा है एंड काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है गाइस सच में। तो लुक वाइज तो मैं वॉच को यहाँ पे 10 आउट ऑफ 9 नंबर्स देने वाला हूँ, तो अच्छी स्मार्ट वॉच है।
डिज़ाइन भी मेरे को इसका काफ़ी पसंद आया है। बाकी आप मेरे को बताओ कि आपको इस वाली स्मार्ट वॉच का डिज़ाइन एंड लुक कैसा लग रहा है, फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखो एंड जल्दी से बताओ। एंड यहाँ तक अभी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को फटाफट से कहें आप सब लोग लाइक करो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली इस वाली स्मार्ट वॉच की, एंड अभी इसके सारे सेंसर्स को टेस्ट आउट कर लेते हैं कि इसमें जो सेंसर्स देखने को मिलते हैं वो एक्यूरेटली काम करते हैं या फिर नहीं। ओके, तो सेंसर्स में सबसे पहले इसका टेबल टेस्ट करते हैं एंड टेबल पर रख के इसको चेकआउट करेंगे कि मेजर करता है क्या। देखो गाइस, टेबल पे इसने वार्निंग दे दी है यहाँ पर कि प्लीज़ वेयर योर वॉच प्रॉपरली। एंड चलो अभी हाथ पे टेस्ट करते हैं एंड हार्ट रेट यहाँ पे मेजर कर रहा है ये। तो ये कुछ इसने रिजल्ट यहाँ पे दिया है 88 BPM मेरा। तो चलो गाइस अभी ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं एंड टेबल पे अगेन इसने वार्निंग यहाँ पे दे दी है एंड अभी हैंड पे ट्राई करते हैं। तो भाई रिजल्ट आ गया यहाँ पे, 97% ऑक्सीजन दिखा रहा है। तो देखा जाए तो सेंसर्स इसके ठीक से काम तो कर रहे हैं, एटलीस्ट टेबल वगैरह को डिटेक्ट कर ले रहे हैं अच्छे से, तो ये बढ़िया चीज़ लगी है मेरे को यहाँ पे फिलहाल। एंड इस वाले स्मार्ट वॉच में हमें जो रेस टू वेक वाला फीचर देखने को मिलता है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है एंड इस चीज़ से गाइस काफ़ी इंप्रेस हुआ मैं। एंड आप देखो यहाँ पे, एंड विद इन अ सेकेंड जैसे मैं हैंड को ऊपर लेके आता हूँ स्मार्ट वॉच की स्क्रीन यहाँ पे टर्न ऑन हो जा रही है, तो ये बड़ी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे। ओके, तो सेंसर्स वगैरह आपने सभी का टेस्ट देख लिया है यहाँ पे एंड अभी इसके कंप्लीट रिव्यू की आपसे बात करता हूँ मैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बात करता हूँ इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो VTEXVI की मेरी ये पहली स्मार्ट वॉच है एंड अगर बात करूँ यूज़र इंटरफेस के, तो यूज़र इंटरफेस मेरे को इसका काफ़ी सिंपल लगा एंड काफ़ी क्लीन सा लगा एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है यूज़र इंटरफेस एंड काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है, कोई भी नॉर्मल इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है एंड कुछ ही दिनों में वो इसको कम्प्लीटली यहाँ पर सीख जाएगा एंड उसको अच्छे से यूज़ कर पाएगा। एंड अभी अगर बात करते हैं इसके सेंसर्स वगैरह के बारे में, तो सेंसर्स मेरे को ओके लगे। 1000 रुपये की प्राइस में ये वाली स्मार्ट वॉच आती है एंड 1000 रुपये की प्राइस के हिसाब से सेंसर्स ठीक हैं इसके एंड ठीक ठाक काम करते हैं। एंड हाँ, यहाँ पर आपको मैं एक वार्निंग दूंगा या फिर आप इसको एडवाइस की तरह से भी ले सकते हो। जितनी भी गाइस 5-6 हज़ार रुपये की स्मार्ट वॉच आती हैं, इनके सेंसर्स पे आपको कभी भी कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीरियसली कोई भी BP या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड वहाँ पर आपको अपना चेकअप करवाना है। इन वॉचेस से आपको चेक वगैरह करके इन्हीं के भरोसे बैठना नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं होती हैं एंड आप इन पर कम्प्लीटली रिलाई भी नहीं कर सकते हो, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए। ओके, तो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ इसके कॉलिंग फीचर की, तो मैंने इस पर कॉलिंग को टेस्ट किया है एंड जनरली मैं इस पर कॉल्स वगैरह नहीं लेता हूँ, स्मार्ट वॉच से कॉल कौन ही करता है, बट हाँ एक फीचर होता है तो चेकआउट किया मैंने एंड काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। सामने वाले पर्सन को क्लियर आवाज़ जाती है एंड इसमें बिल्ट इन स्पीकर है, तो सामने वाले बंदे की आवाज़ भी ठीक ठाक आ जाती है, क्लियर वॉइस यहाँ पे सुनाई दे जाती है। बाकी इस वाली स्मार्ट वॉच का जो बिल्ड क्वालिटी है और इसका डिज़ाइन है प्राइस को कम्प्लीटली 100% जस्टिफाई करता है। काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी अच्छा स्ट्रैप का क्वालिटी है एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये वॉच लगा है मेरे को। एंड अगर आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही है, तो आप ये VTEXVI की वेगा न्यू स्मार्ट वॉच को बिना किसी प्रॉब्लम के परचेज कर सकते हो। अभी 2 मंथ यूज़ करने में मेरे को ऐसा इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है एंड आप इसको बिना किसी प्रॉब्लम के चेकआउट कर सकते हो। इसका बेस्ट वाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाओ फटाफट से इस पर क्लिक करो एंड अपनी वॉच को परचेज कर लो। एंड आज की इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही है एंड आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इस वॉच के रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन या फिर क्वेरी है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर, लव यू ऑल।